नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जी राम राम जी, कैसे हो आप सब? मेरे हिसाब से आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज, मेरे नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और भाई मैं उठा तो भाई मैंने कई देर हो गई थी उठे ने, तो घर में टाइम पास नहीं हो रहा क्योंकि घर खाली खाली सा हो रहा है। नवी और मीनू जा रहे हैं, अपने घर आ जा रही है मीनू, तो वह उधर रुक गए थे। हमने वो लास्ट व्लॉग में देखा होगा, तो क्योंकि उसके भाई का एक्सीडेंट हो रहा था तो उन्हें उधर रुकना पड़ गया था। भाई मैं दो चार दिन रुक कर फिर आऊँगे, तो टाइम भी चोखा हो गया भाई, 10 बजे नाले हो रहे हैं और बाहर भी मौसम देखेंगे पर लकड़े की साग क्यों रहे। तो ये देखो मौसम हो रहा है, मतलब ठीक है, ज़्यादा धुंध भी नहीं है, ठीक है। बाकी दूर तो धुंध दिखा मैंने खेतों में, तो आड़े नज़दीक तो साफ दिखा है, दूर देखो तो दूर तो धुंध दिखा है मैंने बहुत ज़्यादा। और तुलसी माता भी देखो भाई, मीनू के जाए पछे अभी काली काली पड़गी, पानी पुनी फिर नहीं समय आवे है कि नहीं आवे है, देखो या भी सूख सी रही है तो इसमें भी पानी देवांगे एक बार, न तो या कती सूख जाएगी। और मौसम ठंडा हो रहा है भाई, बाहर हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी, उल्टे भीतर चल पड़ा अपना, डे बाहर कुछ नहीं है। तो चलो गाइस, एक बार मैं भी अपना निकलूँ, घर आ तो टाइम पास नहीं हुआ मेरा, तो बाहर चलाएँ घूमन, बाहर का देखाएँ कितके थोड़ा बहुत अपना टाइम स्पेंड कराएंगे। तो घर आ तो क्योंकि घर तो खाली है, खाना पीना सोना, ठीक है, घर तो कुछ नहीं है। तो चलो एक बार मैं नहा लूँ पहले, तो नहा दो के फिर मैं अपना उसके बाद सोचाँगे बाहर चलाने की। सबसे पहले तो नहा धो लूँ, नहा धो कर रेडी हो ला, रोटी पानी खा ला फिर चलेंगे बाहर। इतने मम्मी रोटी राटी बना देगी और फिर घूम के आऊँगे, अपने कपड़े कपड़े पैर का पैकिंग करके चलना पड़ा क्यों बाहर ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। तो चलो मैं पहले सबसे पहले नहा लेता हूँ। तो मैं भी हो लिया हूँ नहा धो कर रेडी, बस मैंने एक बार तेल करना रह रहा है, सरसों का तेल ढूंढूंगा मैं, सरसों का तेल लगाया करूँ। और उसके बाद फिर अपना मफलर टोपा और एक कोट और पहनाएंगे, क्योंकि ये होता है ना धुंध में, धुंध में जम कर कभी ख़राब हो जाया करे, तो अपना पूरी किट पैर करके चला रहा बाइक पे। तो चलो मैं एक बार अपना सारी चीज़ ढो लूँ, लगेंगी मैंने 10-15 मिनट और, तो उसके बाद फिर चलने की तैयारी करेंगे। एक भाई का और फ़ोन आया बोला मैं चलूँगा तेरे साथ, मैं चल ठीक है भाई, मैं 10 मिनट में ही आया, तो वो भी बाट में खड़ा है। तो मैं एक बार फटाफट अपना काम निपटा के, और फिर मम्मी ने भी दो रोटी बना रखी गर्मा गर्म, दो रोटी खा कर फिर उसके बाद चलने की तैयारी करा है। तो मैं भी अपनी पूरी किट पैर के चल पड़ा हूँ। और भाई बाहर तो ना बहुत जोर की हवा चल रहा है, घर तो बाहर लगड़े देखा ना, मतलब हवा बहुत जोर की चल रही है। और दादी भाई अपने साधन का चाबी, अरे बर्दा गेयर, बाहर ठंडी ठंडी हवा का नज़ारा ले आवेंगे। ठंड बहुत हो रही है बाहर, कितना लग रहा है और बहुत मतलब ज्यादा लग रहा है बाहर, और भी ज्यादा हवा चल तो ठंड में कैमरा चलाने का भी जी नहीं करता, कभी इतने ठंडे हाथ हो जाए। भाई मैं अपनी एक सवारी ने तारे आया हूँ पाछे, उसने थोड़ा सा काम था और तो मैं आ गया हूँ अपने एक जगह, और मैंने थोड़ा सा काम अलग था, मैंने दूसरी जगह आना था। तो चलो मैं भी पहुँच गया हूँ अपने ठिकाने पर एक बार, चलो देखते हैं वर्मी लगते हैं यहाँ पर भी। तो मैं मिलता हूँ लाडले भाइयों से, आए हेलो करता हूँ और 10 मिनट बात करते हैं, उसके बाद मैं निकल लेता हूँ वहाँ से, रवाना हो लेता हूँ। उसके बाद मैंने जाना था कि डी साले के द्वारा जाना था, उड़ते एक छोटा सा आइटम उठाना था, मैं वहाँ से आइटम उठाता हूँ और निकल लेता हूँ वहाँ से। तो मैंने अपने छोटे छोटे 2-3 काम थे ये तो निपटा लिए हैं। और आज तो भाई थोड़ी धूप सी लकड़ रही है, मतलब गर्म दिन हो रहा है, ईब लकड़ी है अभी धूप दोपहर पाछे जागन है ना, तो तड़किया का था कि खूब जड्डा हो रहा था। तो मैंने थोड़ी सी भूख सी महसूस होने लगी थी, तो मैं देख रहा था भाई कोई दिख जाए मतलब कुछ खाने पीने वाला, तो मैंने भेलपुरी वाला दिख जाए भाई उसकी रेडी के दौर जाऊँ मैं, उसके बाद मैं उससे भेलपुरी बनवाता हूँ वहाँ पर, एक बढ़िया मसाला मार के बनाते भाई, उसने अपने टमाटर टमाटर प्याज प्याज काट के बढ़िया भी बना दी। तो उसके बाद मैं शांति से खड़ा होगा भाई भेलपुरी का टेस्ट लूँ भाई, बहुत बढ़िया मतलब शानदार भेलपुरी बना रखी थी उसने। रात का टाइम हो गया भाई, देखो रात के 6 बज गए हैं और मतलब शाम का टाइम हो गया है,
तो मैं पहुंच गया हूँ जलेबी वाले दे दो रहे, तो थाने दिखाऊंगा भाई जलेबी किस तरह बना हुआ है और जलेबी खावांगे। तो चलो गर्मा गर्म जलेबी बनवा लेंगे, ठंड का मौसम हो रहा है बहुत। तो यो भी मेरे शहर का भाई फेमस जलेबी वाला, एक तो बड़ी जलेबी फेमस हो रहा मेरे शहर की, माथुराम की जलेबी बोला इसने। अरे की भाई छोटी जलेबी बना रहे हो, बहुत ही मतलब करारी जलेबी बना रहे, इसकी भी जलेबी बहुत फेमस है। तो चलो एक बार इसकी ऑर्डर देगा भाई, अपने जलेबी तैयार करवा ली, गर्मा गर्म जलेबी तैयार कर दी भाई ने। तो मेरे साथ नवीन भी था, तो नवीन नर मन ने भाई आपने चेस करके जलेबी खाई, और उसके बाद भाई ठंड इतनी ज़्यादा हो रही थी भाई, हमने घर जाने की तैयारी कर दी। देखो कितना मतलब ठंड हो रही है, मतलब धुंध चालू हो गई है, और मन ने भाई अपने घर जाने की तैयारी कर दी, गाड़ी गियर भर दिया भाई, नवीन बाइक चला लग रहा था, तो हम घर पहुंच लाए एक बार फटाफट। तो घर पहुंचते पहुंचते मैंने रात के 8 बजे हैं, और उसके बाद घर जाते भाई माता जी ने गर्मा गर्म खाना लगा दिया भाई, रोटी तैयार कर दी थी माता जी ने, तो मैं खाने का एंजॉय लेता हूं, और उसके बाद मैं हो जाता हूं बिल्कुल फ्री। मैं अपना टोपा टपा काट कर रिलैक्स फॉर्म में आ जाऊँ, और उसके बाद देखो भाई मेरे बाल कितने स्ट्रेट से हो रहे, टोपे में किस तरह आगे हो रहे हैं। फाइनली मैं कर रहा हूँ इस व्लॉग का यहीं पे एंड।